पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दो खबरें बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर है जलगांव जिले की मशहूर हस्ती के बारे में और दूसरी खबर है MIM चीफ असदुद्दीन अवैसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक फिल्म आ रही है हम दो हमारे 12 को लेकर असदुद्दीन अवैसी का रिएक्शन आया है। और दूसरी खबर है जलगांव जिले की जानी मानी हस्ती मुफ्ती हारून नदवी साहब का आज सवेरे एक्सीडेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि मुफ्ती साहब सवेरे कहीं जा रहे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी का पिछला टायर फट जाता है, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आता है। हादसे में गाड़ी के अंदर चार लोग सवार थे, चारों लोग घायल है, सभी की तबीयत नॉर्मल है। बताया जा रहा है कि मुफ्ती साहब सफर पे थे, तभी एरंडोल और पालदी के बीच में यह हादसा पेश आता है। मुफ्ती साहब ने सभी से दुआ की अपील की है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको आगे सुनाते हैं कि असदुद्दीन अवैसी ने फिल्म के बारे में क्या बोला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जिस अंदाज में एक्सीडेंट हुआ है, उस अंदाज में हमारी किसी की भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब अल्लाह बचाना चाहता है तो बचाता है। सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं और अल्लाह का शुक्र है। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया, उसने एहसान फरमाया। इस वक्त मैं सहारा हॉस्पिटल में हूँ और खैरियत से हूँ। जो थोड़ा बहुत मार लगा हुआ है उसका इलाज चल रहा है। आप दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहत याबी अता फरमाए। जिस अंदाज में अच्छा आप लोगों को जो वीडियो आ रही है गाड़ी की, यकीन गाड़ी की वीडियो इतनी ख़तरनाक है कि जो भी गाड़ी देख रहा है वो बोलेगा कि भाई इसमें कोई भी नहीं बचा होगा, लेकिन सब के सब बचे हुए हैं और कोई मेजर मार, कोई बड़ा मार नहीं लगा है। सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। अल्लाह से दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला जल्द सेहत याबी नसीब फरमाए। बना दी गई कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर, उस पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। मगर तुम पिक्चर बनाने से तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम कुछ बदनाम करने की कोशिश कर रहे नहीं कर पाओगे। जो दीन सच होता है, हक है, वो हक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सब को सब मौका मिल रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहता हूं। 1930 हिटलर का जमाना है, जर्मनी है, और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था, पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। कभी उनको कहते थे कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, कभी इनके खाने को निशाना बनाया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ, 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डालकर उनको मरवा दिया। मेरे भाई, होश में आओ, दोस्त को पहचानो। दुश्मन तो अपने अजायम को खुलकर बयान कर रहा है। अगर आज आप इस फर्क को महसूस नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12 और 14 साल के हैं, वो कल तुमसे पूछेंगे कि बताओ अब्बू, जब हमारे बर्बादी के पूरे मंसूबे बनाए जा रहे थे, आपने उन मंसूबों को कैसे नहीं रोक पाए? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास, क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? सोच लो, हम तो कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो, जब यहां पर हर समुदाय का एक लीडर है, तो बताओ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन नेता है? तुम कब तक तेजस्वी को, लालू को, नीतीश को अपना नेता बनाते रहोगे? तुम कब तक इनको मोटा करते रहोगे? तुम कब तक झोली भर भर कर उनको देकर हमारे अरमानों पर, हमारे लाशों पर उनके सिया